हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन इन आवर इकोनॉमिक्स क्लास। तो हम लोग देख रहे थे अपनी इकोनॉमिक्स और उसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पॉवर्टी के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो पॉवर्टी एक आसान सा टॉपिक था, काफी कुछ हम लोग डिटेल देख रहे थे, तो हम लोगों ने एक छोटा सा स्मॉल टॉपिक उठा लिया था। सिमिलरली आज हम लोग अगेन एक थोड़ा सा स्मॉल टॉपिक उठाएंगे जिसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम लोग आज फिलहाल देखने वाले हैं। छोटा सा एक नोट मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, जैसा हर्षित ने उठाया हुआ था कि लॉरेंस कर्व हो गया या जितने भी ये कर्व्स वगैरह हैं, जो ग्राफ वगैरह हैं, ये हम लोग क्यों नहीं देख रहे हैं। तो देखिए, ये मैं इसलिए अभी फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसमें कई सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। हालांकि उतना ज्यादा जरूरत नहीं होती है, बट स्टिल जो कर्व्स वगैरह हैं उसके लिए मैं सेपरेट एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम लोग ये सारे कर्व डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेकर के चलेंगे और हम लोग उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को सीखने की कोशिश करेंगे। चाहे वो फिलिप्स कर्व हो, चाहे लॉरेंस कर्व हो, चाहे लेफर कर्व हो, चाहे कोई भी गिनी कोफिशिएंट हो, एनीथिंग, सारा हम लोग एक साथ ही डिस्कस करेंगे, तो एक अच्छी खासी क्लैरिटी आ जाएगी। क्लियर? स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जो लोग भी नए हैं उन लोगों के लिए दिस इज आवर कॉन्टैक्ट डिटेल, जिसको आप लोग रीच आउट करने के लिए हम तक यूज कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है, उसको आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको मटेरियल मिल जाता है। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द मटेरियल, जिसकी भी लिंक दे रखी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये सारा का सारा चीज इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जिसको आप लोग वॉच आउट कर सकते हैं। ये प्रीलिम्स स्पेशल भी हैं और मेंस स्पेशल भी है। मेंस स्पेशल के लिए फिलहाल ज्योग्राफी ऑप्शनल की सीरीज कंटिन्यूड है, जिसमें पेपर टू की कोशिश चल रही है। इसके अलावा देखिए, हम लोगों ने मैप मेकिंग का भी नया सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर योर मेंस पेपर टू ज्योग्राफी। क्लियर? इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज, दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज है और हम लोग क्यों इसको कैलकुलेट करें, पहली चीज, पहला ऑप्शन ही पड़ता है, पढ़ें ही क्यों, नया टॉपिक बना दिया गया, नया सिलेबस बना दिया गया, क्यों पढ़ें। तो इसके लिए देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमी चल रही होती है, वो इकोनॉमी हमारी चल रही होती है, हम लोगों ने डे वन बात किया था, इकोनॉमी को चलने के लिए तीन इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत पड़ती है। क्या वो तीन इंपॉर्टेंट है? एक है हमारा कैपिटल, दूसरा है हमारा लैंड, तीसरा है हमारा लेबर। ठीक है? हालांकि मैंने एक और टर्म आप लोगों को बोला था कि एंटरप्रेन्योर या फिर इंटरप्राइज के बारे में बोला था मैंने, इंटरप्राइज। ठीक है? हालांकि दिस डज नॉट हैव मच मीनिंग हियर, लेकिन खैर ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैपिटल के लिए हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ लिया, फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ लिया, और हम लोग आगे जाकर के बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात करेंगे। क्लियर? लैंड के बारे में, लैंड रिफॉर्म्स वगैरह के बारे में हम लोग बात करेंगे, एग्रीकल्चर वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो ये सारा का सारा हम लोग अगेन आगे के टॉपिक में बात करेंगे। लेकिन हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है और वो बनता है हमारा लेबर फोर्स, और ये लेबर फोर्स बेसिकली हम लोगों को डिस्कस करना है अपने इस अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक में। क्लियर हो गया कि हम लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ना क्यों है? क्योंकि इकोनॉमी का बेसिक कंस्टिट्यूएंट होता है लैंड, लेबर एंड कैपिटल। ठीक है? तो इस वजह से हमें पढ़ाई करनी होती है। अब देखिए, हमारे पास जो लेबर होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। एक होता है जो स्किल्ड होता है और दूसरा होता है जो अनस्किल्ड होता है। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो जो अनस्किल्ड होता है उसमें भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो जाते हैं, लेकिन ये सारे के सारे वही होते हैं जो मजदूर वर्ग के होते हैं, या कह सकते हैं लेबर क्लास के हो रहे होते हैं। ये स्किल्ड क्लास में अगर आते हैं तो देखिए यहां पर दो टाइप का हो जाता है। एक होता है जो आईटीआई वाले होते हैं और एक होते हैं जो आईआईटी वाले होते हैं। मतलब क्या है इसका? दे आर स्किल्ड बट नॉट अप टू द हाइएस्ट लेवल। ये स्किल्ड होते हैं लेकिन हाइएस्ट लेवल तक नहीं होते हैं, ये केवल और केवल छोटे मोटे काम के लिए होते हैं। तो इस तरीके से चीजें होती है। लेकिन ये क्या होते हैं, दीज आर आईआईटी वाले, ये क्या हो जाते हैं? दे आर फॉर आरएनडी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हो जाते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू वर्क्स, न्यू चीजों को लेकर के आना, ये इनका काम हो जा रहा होता है। तो अब हम लोग सारे लोगों के बारे में देखेंगे, अनस्किल्ड वाले के बारे में भी देखेंगे, स्किल्ड के भी बारे में देखेंगे, और हम लोग अपने ये जो टॉप मोस्ट लेवल के होते हैं उनके बारे में भी देखेंगे। अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाए इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो देखिए सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, सबके ही अपने अपने कंपोनेंट है, लेकिन संख्या ज्यादा इनकी होने के कारण से अनस्किल्ड वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज कंपेयर टू द अदर टू।
क्लियर हो गया, इन सब के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन भी करेंगे। तो अब हम लोग अगर इसके थोड़े बेसिक्स स्टार्ट किया जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, तो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ फिनोमिना दैट अकर्स व्हेन अ पर्सन हु इज कैपेबल ऑफ वर्किंग एंड इज एक्टिवली सर्चिंग फॉर द जॉब इज अनएबल टू फाइंड द वर्क। यहां पर देखिए दो चीज है, एक टर्म है कि वो कैपेबल है मतलब काम करने लायक है, तो कैपेबल का मतलब दो तरीके से होता है, एक होता है जो लॉ वाइज ये कैपेबल है या नहीं है, और दूसरा होता है इसकी फिजिक वाइज, क्या ये काम करने योग्य मतलब कि इसकी फिजिक है कि नहीं है, तो उस पर डिपेंड कर जाता है। लॉ वाइज ऑब्वियसली एक एज निर्धारण करना पड़ेगा, हमें एक एज ब्रैकेट रखनी पड़ेगी, तो जो एज ब्रैकेट फिलहाल होती है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट सीक करने के लिए, या फिर बोल सकते हैं वर्किंग ग्रुप के लिए, वर्किंग ग्रुप के लिए जो एज होती है वो होती है 15 ईयर से 59 ईयर के बीच में। इस ईयर के बीच में जो कोई भी फोर्स होता है लेबर फोर्स कहलाता है, जो भी ह्यूमन फोर्स है वो लेबर फोर्स कहलाता है। फिजिक में क्या आ जाती है, फिजिक में आ जाती है कि क्या हेल्थ कंडीशन कैसी है, तो इस हेल्थ कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आखिर में वो बंदा काम करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। तो यहां पर हो जाता है इज एक्टिवली सर्चिंग फॉर द वर्क और नॉट, तो यहां पर केस हो जाता है एक्टिव सर्च ऑफ, ठीक है। तो ये एक्टिव सर्च के बारे में चीजें हो जा रही होती है, क्लियर हो गया क्या चीज है। तो ये हमारी डेफिनेशन हो जाती है, डेफिनेशन को आगे जरा बढ़ा जाए तो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होती है। अब यहां पर थोड़ी कैलकुलेशन की फॉर्मेट में चीजें आ जा रही होती हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, जितने भी अनएम्प्लॉयड हैं इस अनएम्प्लॉयड पीपल में डिवाइड अगर कर दिया जाए टोटल नंबर ऑफ लेबर फोर्स, यानी कि हम लोग अगर लेबर फोर्स से हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। अब क्वेश्चन ये होता है लेबर फोर्स क्या होती है, तो लेबर फोर्स के लिए आपको यहां पर अगेन एक इंफॉर्मेशन मिल जाए कि लेबर फोर्स का मतलब होता है पर्सन हु आर ईदर वर्किंग, जो कहीं काम कर रहे हैं या काम सीख मतलब करने की कोशिश सीख कर रहे हैं, खोज रहे हैं, और अवेलेबल फॉर वर्क या अवेलेबल है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द रेफरेंस पीरियड टूगेदर कॉन्स्टिट्यूट एट लेबर फोर्स। अब इसके बारे में जरा देख लेते हैं तो हमें और क्लैरिटी आ जाएगी इसके बारे में क्या चीज है। देखिए यहां पर मान लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं एक ऐसी इकोनॉमी है जिस इकोनॉमी में 100 पीपल रहते हैं, टोटल 100 लोग यहां पर है, पॉपुलेशन 100 है, ठीक है। इस पॉपुलेशन में अगर बात करें कि 15 टू 59 ईयर एज ग्रुप के बीच में कितने लोग हैं, तो इस एज ग्रुप के बीच में मान लेते हैं कि टोटल और टोटल 60% है, ठीक है। यानी कि इसका वर्किंग जो कह लीजिए कि वर्किंग लेबर फोर्स कितना हो गया, मतलब कि वर्किंग एज क्या हो गई, तो वर्किंग पीपल हो जाएंगे 60, जो लोग 60 लोग हैं। इसमें से मान लेते हैं इस 60 में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो दे आर नॉट सीकिंग फॉर द वर्क। तो मान लेते हैं जो पढ़ाई करने वाले लोग हैं जो स्टडी ग्रुप में आ जाते हैं, वो स्टडी ग्रुप में आ जा रहे हैं मान लेते हैं 15 पीपल, ठीक है। इसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, मान लेते हैं यूपीएससी की तैयारी करने वाले मान लेते हैं 5 लोग हैं। कुछ लोग होंगे जो एसएससी वगैरह की तैयारी करने वाले होंगे, मान लेते हैं टोटल 5 लोग हैं जो तैयारी करने वाले लोग हैं। इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अनएम्प्लॉयड मतलब कि लेबर फोर्स होंगे और अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, अनएम्प्लॉयड है, लेबर है, या फिर मान लेते हैं एम्प्लॉयड ही हैं, ये लोग एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, ये हो गए एम्प्लॉयड लोग, और ये लोग हैं टोटल मार करके मान लेते हैं कि 20 लोग हो गए, ये मान लेते हैं कि टोटल और टोटल 35 लोग हैं, ठीक। तो इसके बाद से एक और क्लास बच गया जो थोड़ा सा हायर क्लास है, ये मान लेते हैं कि बहुत ही हाई इंस्टीट्यूट, मान लेते हैं हार्वर्ड से पढ़ के आया है बंदा, हार्वर्ड से पढ़ के आया है और वो अभी फिलहाल जॉब खोज रहा है, ये अनएम्प्लॉयड है और सीकिंग फॉर जॉब, सीकिंग फॉर जॉब, ठीक। अब देखिए ये टोटल कितनी संख्या हो जाएगी इनकी, इनकी संख्या टोटल हो जाएगी 5 मान लेते हैं, ठीक है, टोटल हो गया 60, 15, 5, 20, 20 और ये 40, 60, ठीक है। अब यहां पर बात करें कि वर्किंग वर्किंग कितना है, तो वर्किंग पीपल वर्किंग फोर्स जो है वो टोटल और टोटल 60 का है, लेकिन लेबर फोर्स कितने का है, ये वाला बंदा काम करने की कोशिश कर रहा है क्या, खोज रहा है क्या, नहीं, ना तो ये सीख कर रहा है, ना तो ये एम्प्लॉयड और ना ही अनएम्प्लॉयड है। क्या ये बंदा खोज रहा है क्या, नहीं, ये तैयारी कर रहा है अपना, इसको कोई भी काम धंधे से मतलब नहीं है, भले ही वो इस एज ग्रुप में आ रहा है लेकिन वो काम धंधे से मतलब नहीं है। 35 लोग, यस, ये काम कर रहे हैं, ये लेबर फोर्स के अंदर कैलकुलेट किए जाएंगे। 5 लोग हैं, यस, बिल्कुल कैलकुलेट किए जाएंगे क्योंकि ये लोग जॉब की तलाश में हैं। तो यानी कि अगर बात करें तो लेबर फोर्स कितना हो गया, लेबर फोर्स यहां पर हम कह सकते हैं 35 प्लस 5 ये, और टोटल टोटल मार करके ये बन गया 40, 40 बन जाता है लेबर फोर्स। और कितने अनएम्प्लॉयड हैं, अब देखिए अनएम्प्लॉयड कितने हैं, 15 ये अनएम्प्लॉयड है, बिल्कुल अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में आएंगे, 5 बिल्कुल अनएम्प्लॉयड है,
प्लस 5 और ये टोटल अनएम्प्लॉयड है, यानी टोटल मार करके कितने अनएम्प्लॉयड हो गए, 15, 5, 20 25 लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है, 40 लोग हैं जो लेबर फोर्स की कैटेगरी में, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना हो जाएगा, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी जितनी भी, वो हो जाएगी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 62.5% नियर अबाउट, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, अनएम्प्लॉयड कितने लोग हो जा रहे हैं, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं जरा हम लोग, अब हम लोग जरा देखते हैं टर्म्स रिलेटेड विद अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्या क्या टर्म है इसको हम लोग जरा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है एम्प्लॉयमेंट रेट। हम लोगों ने अभी फिलहाल अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब हम लोगों ने देखा था क्या चीज, कि जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड थे, जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड थे डिवाइडेड बाई जितने भी लोग वर्किंग एज में आ रहे थे, या फिर बोल सकते हैं कि जो भी लेबर फोर्स में आ रहे थे, लेबर फोर्स में आ रहे थे, तो इसको हम लोगों ने बोला था अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो एम्प्लॉयड रेट क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगी द रेशियो ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन टू द पॉपुलेशन। तो यानी कि एम्प्लॉयड रेट हो जाएगा क्या, एम्प्लॉयड रेट का मतलब हो जाएगा कि हमारा जितने भी लोग एम्प्लॉयड है डिवाइडेड बाई लेबर फोर्स, ये हो जाएगा हमारा लेबर फोर्स। अब देखिए एम्प्लॉयड लोग कितने यहां निकल करके आए हुए थे, देखते हैं एम्प्लॉयड लोग टोटल जो निकल के आए थे वो आए थे 35 लोग, और वर्किंग एज कितनी है हमारी, कितनी है एम्प्लॉयड है टोटल मार करके 35 और ये हो गया 60, यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये वैल्यू देखिए 58.33% आ जाएगी जो एम्प्लॉयड रेट में आ जाएगा, क्लियर हो गया क्या चीज है। अब देखिए यहां पर एक्चुअली वैल्यू दोनों मिलाकर के आप 100% नहीं बोल सकते, क्योंकि ये नियर अबाउट 62% के नियर अबाउट में था, 62% आ रही थी और ये वैल्यू 58% के नियर अबाउट में आ रही है। अगर इन दोनों को आप जब जोड़ेंगे तो ये वैल्यू 120 क्रॉस कर जा रही है, क्यों, क्योंकि यहां पर जो लेबर फोर्स में कैलकुलेशन है वो लेबर फोर्स में कुछ हम लोगों ने ऐसे लोगों को भी कैलकुलेट करके रखा हुआ है जो एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आ तो रहे हैं लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट चाहते नहीं है, जैसे जो यूपीएससी या किसी एग्जाम की तैयारी करने वाले थे या स्टडी ग्रुप था, तो इस तरीके का एक ग्रुप होता है, इस तरीके के जो लोग होते हैं इनको बोलते हैं कि दे आर वॉलंटियर बेसिस पे अनएम्प्लॉयड रहना चाहते हैं। तो हम लोग आगे अभी बात भी करेंगे, तो इनको बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड, और ये एक ऐसी कैटेगरी होती है जो हमारे देश की जो एम्प्लॉयमेंट रेट या अनएम्प्लॉयमेंट रेट होती है उसको काफी ज्यादा इंपैक्ट कर रही होती है, बहुत प्रभावित कर रही होती है, क्लियर हो गया क्या चीज है। अगर मान लेते हैं सपोज कि हमारे यहाँ पे वर्किंग ग्रुप, हमारे यहाँ पे मान लेते हैं कि लेबर फोर्स ज्यादा है लेकिन इस लेबर फोर्स में मान लेते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करने वालों की संख्या काफी अगर ज्यादा होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी ज्यादा हो जाएगा, और एम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा उतना ही कम होती जाएगा, यानी कि लेबर फोर्स में मैक्सिमम जनता को वर्किंग ही होना पड़ेगा तभी हम केवल और केवल कह सकते हैं कि हमें इसका सही सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन हमें पता चल पाएगा। कुछ क्लैरिटी आई क्या चीज है, ओके। तो हम लोग जरा देखते हैं एम्प्लॉयमेंट रेट, तो हम लोगों ने देख ही लिया। अब होती है एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। हम लोगों ने जब फिस्कल डेफिसिट के बारे में पढ़ा था तो हम लोगों ने फिस्कल इलास्टिसिटी के बारे में बात किया था, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने जब टैक्स के बारे में बात किया था तो हम लोगों ने टैक्स इलास्टिसिटी के बारे में बात किया था, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी हम लोग एम्प्लॉयमेंट पढ़ रहे हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी के बारे में। जब फिस्कल इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा था, देखिए मैंने सारा टर्म इसलिए लिया है ताकि आपको एक रिलेशन मिल जाए, कनेक्शन मिल जाए कि आखिर में जो टर्म है उसका मतलब क्या है। फिस्कल इलास्टिसिटी में हम लोगों ने क्या देखा था, फिस्कल इलास्टिसिटी में हम लोगों ने देखा था कि बेसिकली जो हमारा फिस्कल सरप्लस या फिस्कल जो भी पॉलिसी है, फिस्कल अकाउंट जो है वो हमारे जीडीपी के बढ़ने के साथ कितना बढ़ रहा है, जीडीपी जितनी इंक्रीज कर रही है उस इंक्रीज से फिस्कल अकाउंट कितना, फिस्कल बैलेंस कितना बढ़ रहा है, उसको हम लोगों ने बोला था फिस्कल इलास्टिसिटी। हम लोगों ने इलास्टिसिटी मतलब कि टैक्स इलास्टिसिटी क्या बोला था, इनकम लेवल बढ़ने पर टैक्स बेस कितना, मतलब टैक्सेबल कितने ज्यादा लोग आ जा रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे थे क्या कि ये टैक्स इलास्टिसिटी है। मतलब ये हो गई कंट्री की इनकम और कंट्री का एक तरीके से बैलेंस, ये हो गया पर्सनल इनकम और ये बन गया पर्सनल बैलेंस। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं ये चीज। अगर एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी के बारे में बात करें तो क्या चीज हो जाएगी, तो यहां पर चीज हो जाएगी परसेंटेज चेंज इन एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जीडीपी के बढ़ने के साथ में एम्प्लॉयमेंट का क्या सीन हो रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट इंड्यूस्ड By change in GDP, which capture responsiveness of labor market. इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं कि GDP जो होती है वो increase कर रही है। Suppose GDP पहले जो है 3.8
ट्रिलियन डॉलर की है, नाउ इट हैज इंक्रीज टू 5 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, तो यानी जीडीपी कितनी इंक्रीज कर जा रही है, जीडीपी एक काम करते हैं इसको 2.5 बना देते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाएगी। तो जीडीपी जो होती है वो डबल हो गई है, 2 टाइम्स हो गई है। यहां पर मान लेते हैं कि जो भी इंप्लॉयमेंट है वो इंप्लॉयमेंट रेट मान लेते हैं कि 50% है, और ये इंप्लॉयमेंट रेट यहां पर बढ़ करके 60% हो जाता है, तो यहां पर 10% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। और जीडीपी में 50% मतलब कह लीजिए कि 100 मतलब कि दुगना हो जा रही है, यानी कि 100 टाइम्स हमें इंक्रीज देखने को मिल रही है। तो यहां पर जो टैक्स इलास्टिसिटी हो जाएगी वो बहुत ही कम हो जाएगी, 0.1% में चली आ रही होगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी दिक्कत है, यानी टैक्स इलास्टिसिटी हमें ये बता रही होती है कि जितना ज्यादा जीडीपी मल्टीप्लाई करे उतना ही ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी मल्टीप्लाई करना चाहिए। अगर मान लीजिए टैक्स इलास्टिसिटी, मान लीजिए क्वेश्चन ये आता है टैक्स इलास्टिसिटी की वैल्यू अगर हमें ज्यादा मिल रही है तो इज इट अ गुड थिंग और बैड थिंग, तो आप क्या बोलेंगे कि टैक्स इलास्टिसिटी की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा मिल रही है यानी कि या तो जीडीपी कम हुआ है या एम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ा हुआ है, तो एम्प्लॉयमेंट का बढ़ना इज गुड थिंग इफ जीडीपी इज इंक्रीजिंग। क्लियर हो गया, तो यानी कि इलास्टिसिटी एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी की भी वैल्यू ना तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए और ना ही बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये वैल्यू कम है तो ऑब्वियस सी बात है ना तो यहां पर जीडीपी का कंट्रीब्यूशन आ रहा है ना ही एम्प्लॉयमेंट का कंट्रीब्यूशन आ रहा है। यानी कि अगर मैं एक वैल्यू नियर अबाउट में बात करूं तो अगर इसकी वैल्यू 40-60% के बीच में अगर आ रही होती है एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी की देन इट इज गुड। अब मैंने 40-60% कहां से बताया, हम लोगों ने बात किया हुआ था अपना डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, जब हम लोगों ने फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात किया हुआ था, जब हम लोग एफआरबीएम एक्ट के बारे में बात किया था और एनके सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे बात किया था, हम लोगों ने बोला था डेब्ट टू जीडीपी रेशियो एक तरीके से 60% या उससे कम ही होनी चाहिए। यहां पे 40% हम लोगों ने देखा था सेंटर का, 20% हम लोगों ने देखा था स्टेट का। एक तरीके से आप बोल सकते हैं ऑन द सिमिलर नोट एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी इज ऑल्सो सेम एज डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, जहां पर डेप्थ भी कुछ अमाउंट में होना चाहिए, जीडीपी भी हमारी होनी चाहिए, सिमिलर नेचर में एम्प्लॉयमेंट भी हमारा बढ़ना चाहिए, जीडीपी भी हमारी बढ़नी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि दिस वैल्यू शुड बी इन बिटवीन 40-60। ये मैं आप लोगों को पूरा का पूरा रिलेशन इसलिए समझा रहा हूं कि कल को आप खुद से एक एनालिसिस कर सके कि कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, कुछ क्लैरिटी आएगी क्या चीज है। ओके, आगे बढ़ते हैं जरा, अब हम लोग देखते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी क्या है। तो इंटेंसिटी से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि इंटेंसिटी आखिर होता क्या है, व्हाट इज इंटेंसिटी। अब जैसे मान लेते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि रेनफॉल मान लीजिए हो रही है, बारिश हो रही है, हम लोग बोलते हैं बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत इंटेंस बारिश हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि बहुत ही कम टाइम इंटरवल में, बहुत ही कम टाइम इंटरवल में वॉल्यूम ऑफ वॉटर काफी ज्यादा बढ़ गया है, काफी ज्यादा बढ़ गया है। यानी कि इंटेंसिटी अगर हम लोग एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी के बारे में बात करें तो समय के साथ, समय मतलब जीडीपी के बढ़ने के साथ में जो एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने का जो वॉल्यूम है मतलब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये काफी ज्यादा हो गया है। तो एक्सटेंट टू विच ग्रोथ क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ का मतलब क्या हो गया जीडीपी, तो जीडीपी जितना तेजी से बढ़ रहा है उस तेजी में एम्प्लॉयमेंट किस तेजी से बढ़ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या इंटेंसिटी। आप बोल सकते हैं इसको कि दिस इज एम्प्लॉयमेंट, दिस इज एम्प्लॉयमेंट डिवाइडेड बाई जीडीपी, परसेंटेज इंक्रीज इन जीडीपी आप बोल सकते हैं इसको, दिस इज परसेंटेज इंक्रीज इन जीडीपी। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि यहां पर बात की जा रही है कि चेंज इन जीडीपी की क्या सिस्टम हो रही है, और ये हो रहा है कि परसेंटेज चेंज इन इंक्रीज क्या हो रही है। तो यहां पर इंक्रीज होनी तय बात है, यहां पर क्या हो रही है डिपेंड्स, ये इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द थिंग। ठीक है, ओके, इसके बाद हमारा लेबर फोर्स के बारे में आ जाता है। लेबर फोर्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस ही कर लिया कि ये जो भी लोग काम करना चाहते हैं या फिर काम कर रहे हैं तो उनको एक बोलते हैं लेबर फोर्स, एक मतलब टाइम पीरियड के अंतर्गत हो जाता है। दूसरा होता है वर्क फोर्स, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जो भी 15 ईयर to 59 ईयर के बीच में आता है उसको हम लोग वर्क फोर्स बोलते हैं। ऑब्वियसली वर्क फोर्स जो होगा हमेशा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू लेबर फोर्स, हम लोगों ने जैसा कि डिस्कस किया, क्योंकि यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो काम कर नहीं रहे होंगे या काम नहीं करना चाह रहे होंगे, जैसे जो हम लोगों ने देखा था यूपीएससी या एसएससी के जो एस्पिरेंट्स होते हैं। क्लियर हो गया, तो हमेशा ये वैल्यू जो होता है इसको कम कर देगी और इसी वजह से लेबर फोर्स हमेशा वर्क फोर्स से कम होगा या मैक्सिमम ये बराबर हो सकता है।
तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक इनइक्वालिटी को लेकर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कुछ क्लैरिटी आई क्या चीज है। ओके आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज है, अब हमारे पास जो एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग हैं वो हमारे पास तीन तरीके के लोग हैं, थ्री काइंड ऑफ लेबर फोर्स है, थ्री टाइप ऑफ लेबर फोर्स है, ठीक है। ये कौन कौन से लेबर फोर्स है, एक लेबर फोर्स हमारे पास जो पड़ा हुआ है वो है अनस्किल्ड है। अनस्किल्ड का मतलब हो गया जो मजदूर वगैरह वाला वर्ग हो जाता है, लेबर क्लास हो गया, दिस इज लेबर क्लास, ठीक है। दूसरा है जो स्किल्ड है लेकिन ये बहुत ज्यादा मतलब दे कैन कॉम्प्रोमाइज विद देयर वर्क, ये कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज विथ देयर वर्क। ये इलेक्ट्रीशियन भी बन सकते हैं और इन्वर्टर बनाने वाले लोग भी बन सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं ये, दे आर स्किल्ड एक्चुअली। और तीसरे होते हैं जो हाई स्किल्ड होते हैं, दे आर हाई स्किल्ड, और ये नो कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन में होते हैं, नो कॉम्प्रोमाइज मतलब मर जाएंगे लेकिन ये काम नहीं करेंगे। तो तीन तरीके की सिचुएशन होती है, इसमें सबसे ज्यादा अगर वॉल्यूम के बारे में बात करें तो हाईएस्ट वॉल्यूम हो जाती है इनकी, ये वन नंबर पे आ जाते हैं, ये टू नंबर पे आ जाते हैं और ये थ्री नंबर पे आ जाते हैं। यानी कि हमें अगर कैलकुलेट करना होगा तो हमें देखना पड़ेगा तीनों को अलग अलग तरीके से, क्यों, क्योंकि जनरली ये क्लास होता है सबसे ज्यादा पुअर, ये क्लास रिलेटिवली ठीक ठीक होता है मतलब लेस पुअर होती है, और ये क्लास जो स्किल्ड होती है जनरली क्या होती है, जनरली वेल्दी होता है, बाकियों के रिस्पेक्ट में दिस इज वेल्दी, ठीक है, हाई स्किल्ड है, दैट मीन्स कि अपने आप में ये रिलेटिवली हेल्दी है। तो ये तरीका हमारे यहाँ पर तीन तरीके हो जाते हैं, तीन तरीके की तीनों को इकोनॉमिक कंडीशन अलग है। इकोनॉमिक कंडीशन अलग होने का मतलब क्या है, अगर ये पुअर है तो सीधी सी बात है कि दे नीड वर्क, उनको वर्क चाहिए ही चाहिए, यहां पर क्या होती है वर्क चाहिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा ये डिले सह सकते हैं, यहां पर क्या है एकदम बिंदास डिले सह सकते हैं, जब तक इनको मन मुताबिक काम नहीं मिलेगा तब तक ये कोई दिक्कत नहीं है इनको। तो हमारे पास क्या है कि तीनों की कंडीशन अलग है, तीनों की सिचुएशन अलग है, तीनों का इकोनॉमिक स्टेटस अलग है। तो जब भी हमारे पास इस तरीके की कंडीशन आती है तो वी हैव टू लुक, वी हैव टू मेजर ऑल दीज काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अ डिफरेंट कैटेगरी, और ये जो डिफरेंट कैटेगरी होती है वही हमारी अलग अलग तरीके से आ जाती है। जैसे सबसे पहली जो कैटेगरी आ जाती है वो आ जाती है जहां पर हम यूजुअल स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट चेक कर रहे होते हैं। इस यूजुअल स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि हम लोग रेफरेंस पीरियड 1365 डेज मतलब कि एक साल का डेटा ले रहे होते हैं। तो वन ईयर के डेटा लेने में एक्चुअली होता क्या है कि हमें ब्रॉड पर्सपेक्टिव पता चलती है जिसमें स्किल्ड अनस्किल्ड वाली चीजों को हम बहुत ज्यादा क्लैरिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अनस्किल्ड वाली जो चीज होती है उसको हमें काफी नैरो तरीके से देखना होता है। तो इस वजह से यहां पर जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन किया जाता है वो देखा जाता है स्किल्ड के लोगों में ही और हाईली स्किल्ड के लोगों में। बेसिकली इन दोनों पे फोकस हम जो करना होता है तो हम लोग बेसिकली ये यूजुअल स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं। Here the reference period is 365 days. The usual status gives an idea about long-term employment or chronic and open employment. तो ये basically वो हो गई जो लोग तैयारी वाले लोग होते हैं एक तरीके से। During the reference, a person is considered unemployed on usual basis. मतलब अगर कोई बंदा 365 days अगर वो unemployed है तब जाकर उसको हम बोलेंगे क्या unusual status unemployment. If he or she not working but are willing to work for major part of the reference year. तो मेजर पार्ट ऑफ द ईयर में जब भी ये चाहेंगे कि भाई मुझे काम करने की जरूरत है तो उसको हम लोग बोल देते हैं यूजुअल स्टेटस एम्प्लॉयमेंट होती है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि अनस्किल्ड की चीजों को हम काउंट, अनस्किल्ड की चीजों को हम फोकस नहीं कर पाते, यहां पर फोकस एरिया ये नहीं बन पाता है। क्लियर हो गया क्या चीज है। ओके अब इसके बाद हमारा दूसरा होता है जहां पर हम लोग करंट वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं। मतलब अब हम लोग थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे आ गए हैं। तो ये माइक्रो लेवल पे आने का मतलब क्या है, अब हम लोग इस हाई स्किल्ड और स्किल्ड में अब हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे स्किल्ड वाले को। यहां पर हमें बेसिकली इनका डेटा लेना है, इनका एरिया देखना है कि इनकी कंडीशन वेलबींग किस तरीके से चल रही है। तो हियर द रेफरेंस पीरियड इज वन वीक। तो हमारा जो पहले एक साल का हुआ करता था वो अब घट करके आ गया है वन वीक पे, सेवन डेज पे आ गया। सेवन डेज का मतलब वीक, वीक का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से आप बोल सकते हैं इन अ मंथ देयर आर फोर वीक्स। अब ये वीक वाइज डेटा लेंगे, मतलब आपके पास एक मंथ का जो डेटा आएगा वो हमारे पास चार डेटा बेसिकली तैयार हो जाएगा। तो डेटा नंबर वन, डेटा नंबर टू, डेटा नंबर थ्री, डेटा नंबर फोर, यहां पर क्या होगा 12 डेटा आएंगे। क्यों 12 मंथ है इस वजह से 12 डेटा आएंगे।
यहां पर 1 month है इसलिए 4 डेटा आएंगे। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो हियर द रेफरेंस पीरियड इज 1 week, अ पर्सन इज कंसीडर्ड अनएम्प्लॉयड बाय करंट वीकली स्टेटस इफ ही और शी हैड नॉट वर्क इवन फॉर 1 hour ड्यूरिंग द वीक। अगर हफ्ते में एक घंटे भी अगर उसने काम नहीं किया है तो उसका कंडीशन यहां पर देखने को मिल जाता है। बट वॉज सीकिंग फॉर मोर वर्क, वो जो होता है काम के लिए ही हमेशा सीक कर रहा है, हमेशा वो खोज रहा है। द करंट वीकली स्टेटस अप्रोच गिव्स एन आइडिया अबाउट टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली ये टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं और ये बेसिकली जो फोकस्ड रहता है वो स्किल्ड ही रहता है, स्किल्ड ही रहता है, लेकिन ये स्किल्ड होता है जो वही आईटीआई वाले लोगों का हो गया एक तरीके से कह सकते हैं। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हमारा आता है जहां पर हम लोग अब फोकस करेंगे अनस्किल्ड के लोगों को, मतलब अब हम लोग फोकस रखेंगे मजदूर वर्ग का। मजदूर वर्ग में क्या दिक्कत है? इनको हर दिन का हमें देखना होता है, हर दिन ये, क्योंकि हर दिन का इनका जो भी ये वेज पाएंगे उसी वेज से ये अपनी जा रहे हैं, अपनी फूड या जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसको ये कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो यहां पर अगर बात करते हैं करंट डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट में, तो यहां पर हम लोग देखेंगे जैसे यहां पर क्या था, 12 मंथ का 12 डेटा हमारे पास आ जाएगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारे पास मंथली 4 डेटा आएगा, 4 डेटा इंटू 12, यहां पर हमें टोटल 48 डेटा आएंगे, 48 डेटा आएंगे अगर हम लोग ईयर वाइज बात कर रहे होंगे। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारे पास वीकली 7 डेटा, मंथली 30 डेटा और ईयरली हमारे पास 365 डेटा आएंगे। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमारे पास ये सबसे ज्यादा डेटा दे रहा है, यानी कि हम ये यहां से हमने माइक्रो लेवल देखा और यहां से हमने और सुपर माइक्रो लेवल पे देखा है। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा माइक्रो लेवल पे आ जाएगा, ये वाला मैक्रो लेवल पे है और ये वाला थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे है, मतलब ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं है। तो हियर द रेफरेंस पीरियड फॉर ईच इज 7 डेज प्रीसीडिंग द डे ऑफ सर्वे इन ईच ऑफ दीज डेज। If record the activity, it record the activity status of a person each day for 7 days preceding the survey. Person who did not find any work on a day or some day during the survey week, the current daily status approach gives a composite or comprehensive measure of unemployment. It is a measure of chronic unemployment. Chronic unemployment का मतलब ये होता है कि ये पूरा का पूरा मजदूर वर्ग है और बहुत ज्यादा demanding है, मतलब this is the high time. अगर इनको जॉब नहीं मिलती है तो इकोनॉमिक कंडीशन काफी ज्यादा फेल कर जाएगी, काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगी। क्लियर है? ओके, इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग जरा देखते हैं कि टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज होती है। तो अगर टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें तो देखिये हमारे पास 2 तरह की हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। एक कर सकते हैं हम लोग डिमांड साइड फैक्टर और दूसरा कर सकते हैं हम लोग सप्लाई साइड फैक्टर। दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे मान लेते हैं इस समय कोविड फैला हुआ है, कोविड-19, ओके, कोविड-19 के कारण से क्या हुआ है कि जितनी भी डिमांड है लोगों की वो काफी ज्यादा घट गई है। जैसे इस समय अगर बात करते हैं कि ऑयल की, ऑयल मतलब कि पेट्रोलियम की, पेट्रोलियम में आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार इनकी वैल्यू जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की होती है वो लगातार वैल्यू गिरते जा रही है और इस समय इनफैक्ट निगेटिव वैल्यू है इसकी। निगेटिव वैल्यू क्या होती है, कैसे होती है, सब हम लोग बात करेंगे जब बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम फ्री में जो होता है उठा रहे हैं, इनफैक्ट सऊदी अरेबिया हम जाएंगे ऑयल लेने के लिए तो पैसे हमें नहीं देगा कि पेट्रोल भी लो पैसा भी लो लेकिन ले करके जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज समथिंग, देयर इज सम लॉजिक हियर। उन सारी चीजों को हम लोग जब बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे कि आखिर में क्या सीन है। लेकिन अगर पेट्रोलियम के बारे में बात करें तो देखिए वन थिंग इज फॉर श्योर कि यहां पर रेट लगातार गिरते आ रहा है। रेट क्यों गिर रहा है, क्योंकि डिमांड नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की एक्टिविटी ही नहीं चल रही है, लोगों को बाहर नहीं निकलना हो रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट रन नहीं कर रहे, तो पेट्रोल की जरूरत ही क्या है। तो अब डिमांड कम हो गई है, अब सीधी सी बात है जो भी पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे वो क्या करेंगे, उनको कहेंगे कि भैया ऐसा है तुम अभी घर जाओ, तुम्हारी अभी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी फिलहाल डिमांड नहीं जनरेट हो रही है। तो इस तरीके से जो भी यहां पर एम्प्लॉयड लोग थे उनको अनएम्प्लॉयड कर दिया गया और इस तरीके की जब भी अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड साइड अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो ये हो जाती है डिमांड साइड अनएम्प्लॉयमेंट का सीन। अब दूसरा हम लोग आते हैं, इसमें कुछ खास देखिए है नहीं, ये जनरली इमरजेंसी कंडीशन या बहुत ही रेयर होती है, उतना खास होता नहीं है, रेयर ही होती है। लेकिन सप्लाई साइड जो फैक्टर होते हैं ये काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। तो दिस इज हाईली फ्रीक्वेंट, बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट होती है। इसके बारे में अगर देखें तो वी हैव नंबर ऑफ सप्लाई साइड फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर देखते हैं तो यहां पर देखिए एक होती है जिसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, दूसरे को हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलंटियर अनएम्प्लॉयमेंट,
रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट और बहुत सारे और भी बहुत सारे हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। वन बाय वन करके जरा चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि किस किस टाइप के हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट पाई जा रही होती है, और वो भी सप्लाई साइड में। सबसे पहली बात करें अगर तो देखिए, वॉलंटियर अनएम्प्लॉयमेंट होती है। वॉलंटियर अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अभी हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी देखी थी, हम लोगों ने अभी एक एग्जाम्पल देखा था, उस एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा हुआ था कि हमारे पास टोटल 100 लोग हैं इस इकोनॉमी में। दिस इज पॉपुलेशन, 100 की पॉपुलेशन है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि वर्किंग क्लास कितना है, वर्किंग क्लास कितना है, वर्किंग एज मतलब कि 15 से 59 एक ग्रुप में कितने लोग थे, 60 लोग थे। इस 60 में से हम लोगों ने ये बोला था कि यहाँ पर 15 लोग ऐसे हैं जो स्टडी कर रहे हैं अभी अपनी। दूसरा हम लोगों ने बात किया था कि 5 लोग ऐसे थे जो यूपीएससी या फिर एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे थे, मतलब ये प्रिपरेशन वाले थे। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि 35 लोग ऐसे थे जो लेबर क्लास थे और ये एम्प्लॉयड हैं, दे आर एम्प्लॉयड, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि 5 लोग ऐसे थे जो हार्वर्ड से पढ़ के आए थे, मतलब हाईली स्किल्ड थे, हाईली स्किल्ड हैं और इनके पास कोई काम नहीं है, दे आर सीकिंग, दे आर जॉब सीकिंग, तो ये जॉब सीक कर रहे हैं। वॉलंटियर अनएम्प्लॉयमेंट में अगर बात करें तो देखिए, यहाँ पर वॉलंटियर का मतलब क्या है, अपने मन मर्जी से आप अनएम्प्लॉयड रहना चाह रहे हैं। तो इसमें से कौन से ऐसे लोग हैं जो खुद से मन मर्जी से कौन रहना चाह रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है, देखिए उनके पास ऑप्शन है कि वो काम कर सकता है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, या फिर तैयारी करने वाले जो लोग हैं, ये भी क्या है, काम कर सकते हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, ये लोग तैयारी कर रहे हैं। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो ये वॉलंटियर अनएम्प्लॉयमेंट में चला जाता है। वॉलंटियर अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर वर्कर्स आर ईदर नॉट सीकिंग फॉर वर्क और इन ट्रांजिशन फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। अब इसमें है क्या सीन, अब देखिए जरा, जैसे मान लेते हैं कोई आईटीआई का ही बंदा है, या फिर मान लेते हैं थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, और कोई मान लेते हैं इंजीनियर है। जितने इंजीनियर होते हैं वो किसी के नहीं होते हैं, सबसे धोखेबाज होते हैं। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं कोई एक बंदा है और ये अभी टीसीएस में काम कर रहा है सपोज, ठीक है, ये एक आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और ये टीसीएस में काम कर रहा है। यहाँ पर इस बंदे को मिल रही है मान लेते हैं कि 6 लाख रुपए मिल रहे हैं, 2 साल इसका एक्सपीरियंस हो जाएगा, ये बंदा कभी भी टीसीएस का नहीं रहेगा, टीसीएस से उसके वो चला जाएगा दूसरी कंपनी में। मान लेते हैं कि ये कंपनी चली जाती है कहीं बीसीजी में, मान लेते हैं चले जाते हैं बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में चला जाता है। यहाँ पे जब जाता है अपना इंटरव्यू देता है और उसके बाद ये यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन इस बीच में क्या होता है कि टीसीएस से एक ऑप्शन है कि टीसीएस ये पहले रिजाइन कर दे, और रिजाइन करने के बाद तब ये कुछ दिन ये अनएम्प्लॉयड रहे, यहाँ पर ये कुछ दिन अनएम्प्लॉयड रहेगा और उसके बाद से ये जा करके फिर बीसीजी में इंटरव्यू दे, एक ऑप्शन ये है। या दूसरा ऑप्शन है कि टीसीएस को धोखे में रखे और डायरेक्ट जाकर के इंटरव्यू दे दे। तो जब डायरेक्ट जाकर के इंटरव्यू देगा तो वो तो अलग चीज केस है, लेकिन ये बीच में जब भी ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन आ रही है तो यहां पर बंदा खुद से वॉलंटियर तरीके से इसने कहा कि मुझे अनएम्प्लॉयड रहना है क्योंकि मुझे कंपनी स्विच करनी है। तो इस तरीके की भी चीजों को बोलते हैं वॉलंटियर बेसिस, क्योंकि यहां पर बंदा खुद निर्धारण किया है कि मुझे ऐसा करना है। क्लियर हो गया क्या चीज है, एक क्लैरिटी आ गई क्या चीज है। ओके, अब मैं इरेज कर रहा हूं, आप ये डेटा जरा याद रखिएगा तो आपको चीजें याद रहेंगी। ओके, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट होता है जिसको बोला था इनवॉलंटियर बेसिस का अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटियर बेसिस का अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इट रिफर्स टू सिचुएशन व्हेन वर्कर्स आर सीकिंग वर्क एंड आर विलिंग टू वर्क बट आर अनेबल टू गेट वर्क। अब ये क्या चीज है, अब इसकी कहानी जरा सुनिए। मान लेते हैं कि आपने क्या है, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, आपने बढ़िया तैयारी वारी किया था, मतलब आपने इंजीनियरिंग किया है, और उसके बाद से ये हुआ कि यार छोड़ो हटाओ जॉब क्या करना है, यूपीएससी की तैयारी करेंगे। इसके बाद आप क्या करते हैं, आपके पास 6 अटेम्प्ट होते हैं, आप 6 अटेम्प्ट अपना प्रिपरेशन लगा देते हैं और 6 अटेम्प्ट दे देते हैं। 6 अटेम्प्ट के बाद क्या होता है कि आपका मान लेते हैं सपोज, भगवान ना करे किसी का ऐसा हो, मान लेते हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं होता है तो आप क्या करते हैं, आपको वापस से अपने कॉर्पोरेट वाले वर्ल्ड में आना पड़ता है। तो जब ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आते हैं तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर सिचुएशन अब पुरानी वाली नहीं रह जाती है। अब जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे, आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि इतना साल क्या कर रहे थे, आप बोलेंगे यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो कॉर्पोरेट वाले भी आपको क्या है कि हमेशा रिजेक्ट करते रहेंगे, कभी भी आपको लेंगे नहीं। तो ये जो रिजेक्शन होता है, वेयर यू आर विलिंग टू वर्क द जॉब, जो भी काम करना चाहते हैं लेकिन आपको काम नहीं मिल पा रहा है, इस तरीके के बोलते हैं अन इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर हो गया क्या चीज है कि इनवॉलेंटियर बेसिस पे क्या है। ओके, नेक्स्ट आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये फ्रिक्शनल वाली क्या चीज है, फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं कि ये हमारी गाड़ी चल रही है,
गाड़ी चल रही है लेकिन क्या हो रही है, बीच बीच में इसको फ्रिक्शन मिल रहा है जिसके कारण से इसकी जो स्पीड है वो लगातार रिड्यूस डाउन होती है और एक पल के बाद ये अगर हम एक्सलरेट नहीं कर रहे हो तो ये जा करके स्टॉप कर जाएगी, रुक जाएगी। सेम वही चीज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में भी होता है। मिनिमम अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट प्रिवेल इन इकोनॉमी ड्यू टू वर्कर्स क्विटिंग देयर प्रीवियस जॉब एंड आर सर्चिंग फॉर न्यू जॉब इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अभी हम लोगों ने बात किया था कि जहां पर एक बंदा था जो टीसीएस में था और वो कुछ समय के लिए अपने आप को टीसीएस से रिजाइन किया था और कुछ वक्त तक ये अनएम्प्लॉयड था और उसके बाद से ये बंदा फिर दूसरे कंपनी में बीसीजी में चला गया था। इस वाले को हम लोगों ने बोला था कि दिस इज वॉलंटियर बेसिस। ये वॉलंटियर बेसिस का अनएम्प्लॉयमेंट कई तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है, देखिए जरा ध्यान से, एक हो सकता है कि यहां पर इसको सपोज कि डीबीएमएस नहीं आता था तो इसने क्या हुआ, डीबीएमएस सीखने के लिए ये कंपनी छोड़ा था तो इसने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अब सीख लिया है, अब ये कंपनी में जाएगा और अपनी इनकम को बढ़ा करके जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने एक्स्ट्रा स्किल ले ली है। तो अगर एक्स्ट्रा स्किल अगर लेनी होती है या किसी भी तरीके से अगर आप एक ब्रेक ले रहे होते हैं और उस ब्रेक के बाद जब आप दूसरी कंपनी में जा रहे होते हैं तो इस तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वॉलंटियर बेसिस, क्योंकि आपने वॉलंटियर बेसिस पे ये जॉब क्विट की थी और अपना नया जॉब स्विच किया हुआ है। तो दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये सब चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो वॉलंटियर नेचर का ही हो जा रहा होता है। क्लियर हो गया क्या चीज है? मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच इसीलिए रख रहा हूं ताकि आपको बहुत ही क्लैरिटी रहे इस अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप में। एग्जाम्पल जितने ज्यादा रहते हैं उतना ही ज्यादा क्लैरिटी भी आती रहती है। नेक्स्ट हमारी आती है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज है? ओके, ध्यान से देखते हैं। देखिए इकोनॉमी में क्या होता है, मैंने इकोनॉमिक सर्वे भी आप लोग को बताया था और मैंने वहां पर भी बताया था कि 14 मंथ्स में लगातार इकोनॉमी हमारी अप एंड डाउन होती रहती है, यानी एक समय ग्रोथ होती है तो फिर अगले समय फॉल आना ही आना है। तो मान लेते हैं कि ग्रोथ का पीरियड है, बूम का पीरियड है, तो आगे जाके 100% श्योर है कि रिसेशन की पीरियड आनी ही आनी है। तो ग्रोथ के पीरियड में क्या होता है कि आपकी सीधी सी बात है डिमांड ज्यादा रहेगी, डिमांड ज्यादा रहेगी तो फुलफिल करने के लिए आपको सप्लाई भी ज्यादा करना पड़ेगा, सप्लाई ज्यादा करने पड़ेगा तो सीधी सी बात है एम्प्लॉयमेंट भी आपको बढ़ानी पड़ जाएगी। तो इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ता है। लेकिन वाइस वर्सा अगर मान लीजिए डिमांड घट जाएगी तो आपको सप्लाई भी कम करना पड़ेगा, सप्लाई कम करना पड़ेगा तो सीधी सी बात है आपको एम्प्लॉयमेंट से लोगों को हटाना पड़ जाएगा। जैसे कोविड की केस है, कोविड-19 का केस है, अभी क्या होगा आगे जाकर के ये होगा कि इकोनॉमिक कंडीशन अभी फिलहाल सही नहीं है कंपनीज की, तो क्या होगा हाई लेवल ऑफ फायरिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये फायरिंग केवल और केवल कुछ टेम्पररी बेसिस के लिए रहेगा, क्योंकि जब फिर से इकोनॉमी अपने वापस उसी रूप में आ जाएगी तो उसके बाद क्या होगा ये लोग हायर कर लिए जाएंगे। तो इस तरीके से जो अप एंड डाउन वाली केस होती है, इस अप एंड डाउन वाले केस को बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पर ये बंदा फिलहाल अभी अनएम्प्लॉयड है लेकिन नियर फ्यूचर जब इकोनॉमी में ग्रोथ फिर वापस आ जाएगी तो इस बंदे को वापस से हायर कर लिया जाएगा। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड इन द इकोनॉमी एंड स्लो डाउन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच इज रिलेटेड विद द साइक्लिकल ट्रेंड ऑफ बूम एंड रिसेशन ऑफ बिजनेस साइकिल। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इनवॉलंटियर नेचर। क्लियर हो गई क्या चीज है, कैसे हो रही है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट? तो देखिए साइक्लिकल जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये बेसिकली इकोनॉमिक सिचुएशन पे घूमती है, ये घूमेगी इकोनॉमिक स्टेटस पे। क्लियर है? ओके, इसके बाद होती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। कहीं पर भी अगर आप स्ट्रक्चर का मतलब अगर समझे तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो बेसिक ढांचा है, मतलब जो भी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक सेक्टर वाइज बात कर लेते हैं या इकोनॉमी की अलग अलग सेगमेंट वाइज अगर बात कर लेते हैं तो वो हो जाती है स्ट्रक्चर। तो यहां पर होता क्या है, अगर स्ट्रक्चरल चेंज कर दिया गया, स्ट्रक्चरल चेंज करने का मतलब क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंक्स है, बैंक्स में क्या होता था कि पहले सारा काम मैनुअल बेसिस पे होता था, तो जब मैनुअल बेसिस पे हुआ तो वहां पर क्या हुआ कि अपना काम धंधा सब लोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं अपना। लेकिन फिर क्या हुआ, एक समय के बाद बोल दिया गया कि नहीं अब ये सारा का सारा काम डिजिटल बेसिस पे किया जाएगा। तो डिजिटल बेसिस पे अब क्या होगा, जितने भी पुराने लोग होंगे, बूढ़े बूढ़े लोग होंगे, वो कहेंगे यार हम तो ए ही नहीं ढूंढ पा रहे, हम तो बी ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो इस तरीके के लोगों को फिर क्या करा जाएगा, वीआरएस दे दिया जाएगा या फिर इन लोगों को फायर कर दिया जाएगा अगर प्राइवेट कंपनी है तो फायर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से अब ये क्या करेंगे, इनको अब बैंकिंग में आने के लिए वापस से डिजिटल होना पड़ेगा, इनको कंप्यूटर सीखना पड़ेगा।
तो बेसिकली ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट आया क्यों? क्योंकि आपने स्ट्रक्चरल चेंजेस कर दिए। तो इस तरीके की जो चेंज होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल चेंज। इट रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हिच अराइजेस ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी और मिसमैच ऑफ स्किल। एन इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म्स इटसेल्फ फ्रॉम अ लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी टू अ कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी। तो इस तरीके से जब चीजें होती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इस तरीके का स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लैरिटी आ गई क्या चीज है? ओके इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होती है? ये डिपेंड करती है सीजन पे। सीजन का मतलब क्या हो गया? जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में क्या होता है कि हमारे पास तीन तरीके की क्रॉपिंग होती है, राबी की क्रॉप होती है, जायद की क्रॉप होती है और फिर खरीफ की क्रॉप हो रही होती है। लेकिन अगर राबी की क्रॉप के बारे में बात करें या खरीफ के क्रॉप के बारे में बात करें, इसमें फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको शुरुआत में पड़ेगी जब सोइंग सीजन होती है और फिर हार्वेस्ट के टाइम पर पड़ेगी जब हार्वेस्टिंग सीजन हो रही होती है। लेकिन जो बीच में दो महीने का ये जो गैप होता है, उस गैप में आपको एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में जरूरत नहीं होती है। तो यहां पर क्या हो गया? खाली बैठे हैं, क्या करेंगे? अनएम्प्लॉयड रहेंगे। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको हम बोलते हैं सीजनल। क्यों? क्योंकि सीजन में इसकी जरूरत पड़ रही है। थोड़ा सा और एग्जांपल देते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे टूरिज्म इंडस्ट्री, टूरिज्म का भी क्या है कि अपना एक टाइम होता है। गर्मी की छुट्टी हो रही है, सारे लोग घूमने जाएंगे, तभी टूरिज्म इंडस्ट्री काम कर रही होगी। या फिर अगर राजस्थान जा रहे हैं, सीधी सी बात है राजस्थान आप कभी मई जून के महीने में नहीं जाएंगे, उस समय काफी ज्यादा गर्मी रहती है। तो उस समय आप क्या है, टूरिज्म सेक्टर कब काम करेगा? जब जनवरी फरवरी मार्च का समय होगा या फिर नवंबर दिसंबर का होगा। तो इस तरीके से टूरिज्म सेक्टर है ये भी एक सीजनल हो गया। इसके अलावा आप लोग देखे होंगे शादी वादी के टाइम पे भी कैटरिंग का बिजनेस होता है, कैटरिंग हो गया, या फिर जितने भी मैरिज हॉल्स वगैरह होते हैं, क्या ये फुल टाइम बुक होते हैं? क्या नहीं, ये भी केवल और केवल बुक कब होते हैं? मैरिजेस वगैरह के टाइम पे केवल होते हैं। तो मैरिजेस वगैरह के टाइम पे ये भी सीजनल होता है, सीजन पे ही ये आ रही होती है। क्लियर हो गया? तो काफी कुछ एग्जांपल्स ले लिया जिससे आपको क्लैरिटी आ गई होगी ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स ड्यूरिंग सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर। इट अकर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर एंड इन फैक्टर्स प्रोड्यूसिंग सीजनल गुड्स, जैसे रेनकोट वगैरह हो गया या फिर जो भी वुलन क्लोथ्स होती है, तो ये सारी की सारी चीजें भी सीजनल में चली आती हैं। देयरफॉर दे ऑफर एम्प्लॉयमेंट फॉर ओनली अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन अ ईयर। क्लियर हो गया? इसके बाद देखिए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड का मतलब क्या है? जरूरत है चार की, लिए हैं आप 14, तो आपके लिए क्या है 10 जो है वो वेस्टेज है। तो ये 10 का जो है कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं है, और इस तरीके पे जहां पर भी प्रोडक्टिविटी नहीं होती, खाली बैठे मक्खी मार रहे होते हैं, इस तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हेन टू मेनी पीपल आर एम्प्लॉयड देन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इफिशियंटली। प्रोडक्शन डज नॉट सफर इवन इफ सम ऑफ द एम्प्लॉयड पीपल आर विदड्रॉन। द की पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर्स अंडर डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट इज जीरो। क्लियर है? अब देखिए यहां पर सीन क्या है। जैसे मान लेते हैं एग्रीकल्चरल वर्क है, एग्रीकल्चरल वर्क में जरूरत कुछ नहीं रहती है, लेकिन फिर भी क्या होता है, घर में जितने भी लोग हैं सब लोग चलो खेत में, सबको काम करना है, भले बैठे रहना लेकिन सबको काम करना है। तो ये क्या हो गया? अगेन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का केस है। इनफैक्ट आप लोग COVID-19 इस समय घर पे बैठे होंगे, या जितने भी लोग रूम वगैरह शेयर कर रहे होते हैं दिल्ली वगैरह में, वो भी क्या होते हैं, एक तरीके से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का केस बन जाते हैं। कैसे? अब मान लीजिए आपको कुकिंग ही करनी है, तो कुकिंग करने में घर में अगर चार मेंबर है तो चारों को कहेंगे तुम भाई प्याज काटना, तुम ये करना, तुम ये करना, तुम ये करना। करने को एक आदमी दो आदमी बिल्कुल पूरी काम कर सकते थे, लेकिन आपने जबरदस्ती बिठाया कि हम अगर कर रहे हैं तो तुम बैठे क्यों हो। इस तरीके की जो चीजें होती हैं उसको बोलते हैं हम लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जबरदस्ती जब आप किसी को इंक्लूड कर रहे होते हैं। ओके, तो ये हो गया डिस्गाइज्ड का केस। आगे बात करते हैं, आगे आ जाता है लास्ट केस आ जाता है हमारा, और ये होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट का केस। ये सबसे ज्यादा भयावह सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि यहां पर ग्रोथ ऑफ द कंट्री ये 100% गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी? जैसे आप लोगों ने देखा होगा फिलहाल अभी रिसेंट में क्या हुआ था कि सफाई कर्मी की वैकेंसी आई थी, सफाई कर्मी, ठीक है, क्लीनलीनेस ऑफिसर की होती है सफाई कर्मी, ठीक है, तो मतलब समझ लीजिए ग्रुप 4 की नौकरी है। यहां पर क्या हुआ था कि PhD स्कॉलर्स हो गए, चाहे इंजीनियर्स हो गए, BTech हो गए, MTech हो गए, या रिसेंट में आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रुप डी की एक वैकेंसी आई थी, उस ग्रुप डी में एक IIT बॉम्बे के बंदे ने भी रिक्रूटमेंट ली थी। तो ये ग्रुप डी क्या है? ये ग्रुप डी काफी नीचे के लेवल पे होता है, और जनरली यहाँ पर मतलब हाई क्लास के लोग या हाई स्किल्ड लोगों को नहीं शोभा देता है कि आप इस तरीके का काम करें। जो हाई स्किल्ड होते हैं उनके लिए काम होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने का, बट ड्यू टू जॉब इंश्योरिटी के लिए ये लोग ये सब काम कर ले रहे होते हैं। तो जब भी कोई हाई स्किल्ड बंदा किसी अपने
स्किल से नीचे के कामों को करना शुरू कर देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इस बंदे को प्रोटेक्शन नहीं है, इसी वजह से ये बंदा अब फिलहाल अपने नीचे, अपने जो भी लेवल है उस नीचे काम करना शुरू कर दिया है, इसको हम लोग बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। इससे क्या होती है, कंट्री की जीडीपी अगर इस तरीके से मूव कर सकती थी तो कंट्री की जीडीपी अब ऐसे मूव करेगी। तो ये जो ह्यूज गैप है, ये ह्यूज गैप हमें देखने को मिलता है, और कंट्री कभी भी अपने पोटेंशियल इकोनॉमिक स्टेटस को अचीव नहीं कर पाता है। तो वही चीज यहां पर डिस्कस भी किया गया है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इज द मोस्ट डेंजरस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकॉनमी। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन अंडर विच पीपल विथ अ हाई लेवल ऑफ स्किल्स आर एम्प्लॉयड इन लेस प्रोडक्टिव जॉब्स। इट सिंपली मीन्स दैट द लेबर फोर्स ऑफ द इकॉनमी इज नॉट फुल्ली यूटिलाइज एज पर देयर स्किल एंड एक्सपीरियंस। तो ये हम लोगों ने देखा पूरा का पूरा सिचुएशन, पूरी की पूरी हम लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट का केस देख लिया। दिस इज ऑल थिंग अबाउट दिस टुडेज लेक्चर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर मान लीजिए किसी को कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दी गई है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अपने 2 बजे के वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।